गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो प्यारी प्यारी सुबह के साथ। हालांकि इससे पहले वाली सुबह तो बहुत अच्छी थी, बहुत ब्राइट सन निकला हुआ था, बट आज क्या हुआ, जब हम लोग जगे तो देखा बाहर बारिश हो चुकी थी थोड़ी थोड़ी, और बारिश पूरा दिन रही है हल्की हल्की सी। आप लोग के आसपास बारिश हुई है या नहीं हुई है? ये जाड़ों की बरसात है, कुछ इस तरीके से पेड़ बहुत अच्छे से धुल चुके हैं और हमारा गुलाब भी खिला हुआ है, और ये भी फूल बहुत अच्छे से खिल गया है। बहुत अच्छा लग रहा था वॉश, तो मैंने सोचा क्यों ना कैमरे में कैप्चर करते हैं। और ये है हमारा वाइट रोज़ जो कि अभी तक खिला हुआ है और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इस पर जब पानी की बूंदें पड़ी हुई थी, इसकी जो ब्यूटी है वो कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही, बट ट्रस्ट मी गाइस, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसके पीछे भी एक कली निकल रही है, तो वो भी जल्दी इंशाल्लाह निकलेगी। और उसके बाद हम पहुँचे अंदर, क्योंकि थोड़ा सा काम भी करना था। पहले दूध बॉयल किया, उसके बाद हमने चाय बनाना शुरू किया, फिर चाय पी। और एक जो मैटर हो गया था वो ये था, उसके फौरन बाद हम लोग को एकदम से पता चला कि बहुत सारे गेस्ट आने वाले हैं, तो उसके लिए भी खाना प्रिपेयर करना है। और वो इतना जल्दी जल्दी किया कि उसकी शूटिंग तो की है, वो भी अभी दिखाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाए। जी हाँ फ्रेंड्स, ये भगोने में हम लोग बना रहे थे चिकन, मतलब बहुत अच्छा लखनवी टाइप में थोड़ा मिक्स चिकन था, और इस तरह से यहाँ पे ये इसका मसाला बन के हो रहा था रेडी। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका ऑयल अलग और मसाला अलग हो गया है, ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो ये इसका एंड पॉइंट होता है जहाँ पे हमें पता चल जाता है कि हाँ, इसका जो मसाला है वो तैयार है। इसके अंदर अब हम मीट डाल सकते हैं, तो हम लोग इसमें डालने वाले हैं चिकन, और इसमें बहुत सारे खड़े मसाले भी गए हैं, थोड़ा सा मेवा भी गया है, काजू बादाम भी पीस के डाले हैं, और बादाम नहीं थे, काजू थे और थोड़े से बादाम भी थे। और दाल मखाने को भून के उसके बाद उसको पीस के उसमें डाला है, और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है जब अगर हम लोग थोड़े से भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह को पीस के डालते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने डालना स्टार्ट किया हमारे चिकन के पीस। जिसको नहीं देखना है वो वीडियो को आगे मूव ऑन कर सकते हैं। पहले हमने यहाँ पे लेग पीस डाला, उसके बाद निकाल लिया। ऐसा क्यों किया वो भी मैं बताऊँगी। पहले हमने बोटियाँ डाल के 2 मिनट के लिए हल्का सा स्टर दिया था, क्योंकि जो लेग पीस होता है उसको अगर हम लोग स्टार्टिंग में ही डाल देते ना, तो फिर क्या होता है, जो लेग पीस होता है वो बहुत जल्दी गल जाता है, तो उसका शेप ख़राब हो जाता है और वो टूट जाता है। तो ऐसा कभी कभी हम लोग करते हैं कि मतलब थोड़ा सा पहले इसको स्टर कर देंगे, मतलब चला देंगे, और उसके बाद लेग पीस डालेंगे, तो उससे क्या होता है कि लेग पीस टूटते नहीं। अगर लेग पीस आपको सर्व करना है, चिकन आपने बनाया है, उसमें लेग पीस ना हो या टूटा हुआ हो या उसकी बोटी वोटी ख़राब हो गई हो, तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो पहले इसको अच्छे से स्टर देंगे, उसके बाद हमने इसमें लेग पीस ऐड कर दिया था। वो भी वीडियो दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं कि गेस्ट को बिना लेग पीस के सर्व कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके से रेडी हो रहा है, और अब ने यहाँ पे ऐड कर दिए इस तरीके से लेग पीस। और लेग पीस जो थे वो थोड़ा सा टाइम लेने के बाद 5 मिनट बाद ऐड किए थे, और उसको भी बाद में अच्छे से एक बार चला देंगे ताकि ये बहुत अच्छे से रेडी हो जाए। और इसमें हमने उसके बाद थोड़ा सा ही पानी ऐड किया था कि ताकि जो चिकन हमारा है वो बहुत अच्छे से गल जाए, बहुत अच्छे से कुक्ड हो जाए। इतना ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था, ये तो क्वांटिटी ज़्यादा थी। और उसके बाद वो कुक करने के बाद जल्दी जल्दी सारे काम किए थे जब गेस्ट चले गए थे। तो ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। हमने मंगवाया था फ्लिपकार्ट से ग्रॉसरी, जो कि आई थिंक इससे पहले एक बार मंगवाई थी, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट टाइम मंगवाई हुई है। तो ये ग्रॉसरी कुछ इस तरीके की पैकेजिंग के साथ आई थी, फ्लिपकार्ट पे चल रही थी पहले सेल, तो मैंने सोचा क्यों ना ग्रॉसरी वाला सामान वहीं से मंगवा लेते हैं। कुछ इस तरीके के अच्छे से पैकेजिंग के साथ आई थी, टच वुड कोई भी सामान टूटा या ख़राब मुझे रिसीव नहीं हुआ था। और इसे हम कुछ इस तरह ओपन कर रहे थे, लेकिन आज एक बात बताना चाहती हूँ फ्रेंड्स, मैंने कल रात एक ऐसा वीडियो देखा जो इससे पहले नहीं देखा हुआ था, और उसको देख के दिल बहुत दुखा। तो पहले ग्रॉसरी की बात कर लेते हैं, फिर बताते हैं। ये मैंने एक एक्लेयर्स की चोको रिच टॉफ़ीज़ मंगाई थी, कैंडीज़, और ये पान कैंडी जो पहले हम लोग बचपन में खाते थे बट मुझे नहीं मिल पा रही थी, ये है हमारी फ्रेग्रेंस वाली अगरबत्ती जो कि फ्री मिली थी मुझे ग्रॉसरी की शॉपिंग पे। लेकिन ये मैगीज़ मैंने मंगवाई थी ऑर्डर करके, इस पर कुछ आई थिंक 10% या कुछ डिस्काउंट था। ये हमें मंगाना था हमारा सरसों का तेल, हम लोग
बेसिकली ज़्यादा यूज़ सरसों के तेल का ही करते हैं, मस्टर्ड ऑयल का। ये एक मंगाई थी स्लाइस की बॉटल, और ये जो शुगर का पैकेट था 1 किलो का, ये भी इसके साथ फ्री मिला था फ्लिपकार्ट की ग्रॉसरी। आई थिंक 1000 के ऊपर का बिल था एक का, तो इस तरह से 1 शुगर का पैकेट और 1 अगरबत्ती फ्री मिली थी। उसके बाद नेक्स्ट में हमने इस तरह से पिस्ता मंगवाए थे जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, तो ये पिस्ता का पैकेट मंगवाया था। उसके बाद इसके साथ भी अगरबत्ती मिली थी, और ये हमने मंगाए थे बिस्किट जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, और ये हमने मंगाया है ओवन केक का मिस्क। अब देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता है। इसमें अगेन मैगी मंगाई, हमने मैगी बहुत मंगाई क्योंकि मैगी मेरे यहाँ बहुत लगती है। ये हार्पिक की ब्लीच मंगवाई हुई है, ये सिंपल हार्पिक मंगवाया हुआ है। और जो केक का वो मैंने डिब्बा दिखाया था, वो केक का सामान रेडी होता है, उसके बाद उसको हम जस्ट उसको मिला के रखना होता है। नेक्स्ट आने वाले व्लॉग में मैं ज़रूर केक बनाऊँगी, तो वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये हमने मेयोनीज मंगवाई थी, आई थिंक 500 ग्राम थी या कुछ, और उसके बाद ये शुगर का पैकेट था, और इसके बाद आई थिंक कुछ नहीं था। हाँ, टोटल इतना ही सामान अभी के लिए मंगवाया हुआ था। तो ये हमारी ग्रॉसरी की शॉपिंग हो गई। मेन मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो इसको अंदर से ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं। ओवन केक बनाने के लिए इसमें पैक ऑफ एक पैक मिला था, बस उसमें लिखा हुआ था इसको मिक्स करके रखना है कितने ml ऑफ वाटर में, तो ये केक बनके तैयार हो जाएगा। तो ये भी एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने करूँगी, आपके साथ करूँगी, ज़रूर वीडियो में शेयर करूँगी। तो आगे अगर मंगवा सकते हैं तो ऐसे ही बना के मंगवा लेंगे। और उसके बाद ये हमने तय किया कि आज बनाते हैं चाट। तो हम लोग को बनानी थी टिक्की, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़ीरा भुनानी था, तो पहले ज़ीरा भून के साइड किया, उसके बाद ये हमने ऑयल डाल दिया है। और जी हाँ फ्रेंड्स, मैं टिक्की अभी इसी तवे में बनाती हूँ। किसी ने बोला भी था ये ख़राब तवा है, तो ख़राब नहीं है, बस थोड़ा सा पुराना हो गया और थोड़ा पतला है, तो नेक्स्ट टाइम पे फ्लैट तवा ले लूँगी टिक्की के लिए। इस तरह आलूओं को मिक्स करके उसके अंदर मैं ज़ीरा पहले डाल देती हूँ, इसकी वजह से ज़ीरा क्या होता है टिक्की से उछलता नहीं है, और टिक्की का जो तेल में जब डालते हैं तो वो उछलता नहीं, और जो लोग ऊपर से चिपकाते हैं तो वो उछल जाता है, मीन्स आँख पे या फेस पे आके लगता है। तो कुछ इस तरीके से टिक्की डालना स्टार्ट कर दिया, और थोड़े ज़्यादा ऑयल में डाला था, तो अभी आप देखिएगा पीछे की कितनी रेड और कितनी पिंक पिंक टाइप की बहुत टेस्टी और यम्मी टिक्की बनी थी। इनको अभी सर्व करते हुए भी दिखाएंगे। तो अभी मैंने पहले बात की थी कि आज मूड बहुत थोड़ा सा ऑफ था, क्योंकि कल रात एक ऐसा वीडियो देखा था एक बच्ची का, उसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी। और वो बच्ची एक बीमारी से बहुत परेशान थी, और उसके माता पिता भी बहुत परेशान थे, और वो कोई ऐसा नहीं है कि वीडियो यूट्यूब के लिए उन्होंने ऐसा बनाया। वो प्रॉब्लम उनके लास्ट 5 या 4 ईयर्स से थी, वीडियो तो वो 6 मंथ से बना रही थी जब मैंने उनका चैनल देखा, लेकिन बहुत हद तक, काफ़ी हद तक मैं उससे रिलेट कर पा रही थी कि जब कुछ प्रॉब्लम होती है ना किसी बच्चे को, उसके बाद जब दुनिया वाले ऐसे ऐसे बोलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हर्ट करता है। तो ये वीडियो में मैं नहीं इंक्लूड कर रही हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो ज़रूर से बनाऊँगी। तो और ये हमारी टिक्की बन के हो गई थी रेडी। तो अब इसको, अब बात आ गई है प्लेटिंग की, तो जस्ट मैंने इस तरह से निकाल लिया। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ग्रीन चटनी का भी यूज़ किया हुआ है, और उसमें यहाँ पे हमने ऐड की है 9 रतन चटनी 2 टिक्की पे और 2 पे ग्रीन, ताकि सबकी प्रेफरेंस अलग अलग होती है। और इसमें अभी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा दही वगैरह हम नहीं डाल रहे, जस्ट मुझे सिंपली टेस्ट के लिए थोड़ा सा ये रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, थोड़ा सा नमक, ये सब चीज़ें डाली, और बहुत टेस्टी शाम के लिए ये बन के तैयार हो गया था। और ये 2 फ्लेवर की टिक्की लेके मैं आ गई हूँ रूम में, खाने बैठ गई हूँ। हालत बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए बहुत ज़्यादा ऊपर का शूट नहीं किया, मतलब फेस वगैरह, क्योंकि काम करते करते हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो टोटल था ये आज का व्लॉग। अगर इस व्लॉग के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई सजेशंस देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, और आगे आने वाले टाइम में ऐसे ही वीडियो देखना है तो कमेंट में यस लिख दें। थैंक्स फॉर